अरे इनको मैं जानता हूँ। और क्या क्या नाम है? रेजा क्रेजी। क्रेजी नहीं, रेजा फैजी। और एक और बहुत अच्छे एंकर है, उनको उनको जानता है? उनको कौन नहीं जानता है। अच्छा मैं बेबी नहीं हूँ लेकिन बेस मुझे भी पसंद है। तो थोड़ा सा बेस बनाए रखिएगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिया के। अच्छा देख बहुत सारे लोग चले गए। हाँ तो उन्होंने कहा था ना जाने वाले को कौन रोक सकता है। तो तू क्या कहना चाहता है? भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चुप रहे ऐसा कुछ नहीं है। और जो यहाँ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आवाज के मालिक है जो एंकरिंग कर रहे हैं। हाँ जानता हूँ ना। क्या नाम है? गोल मटोल आचार्य। हट हट। अनमोल आचार्य। अच्छा अच्छा हाँ 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 अनमोल आचार्य। अनमोल आचार्य सही वाला सही वाला। हाँ और देख सामने कौन से रॉय बैठे हुए हैं? ऐश्वर्या रॉय। हट हट। मिथिलेश रॉय। ओह सर प्रणाम प्रणाम सर। उनके साथ में कौन है देख रहे? देखा देखा लग रहा है रे। देखा देखा लग रहा है। कौन है पहचानता है? हाँ कौन मैं बता दूँ? विश्वजीत सिंह छोटू। इतने बड़े हो गए नाम छोटू है। हट हट हट। कुछ भी बोलता है तू। और इस कार्यक्रम को जिन्होंने अरेंज किया है उनका नाम है सुनील शेट्टी। हट हट। सुनील शेट्टी नहीं सुनील सुमन जी। हाँ 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 सुनील सुमन जी। और जिनके कार्यक्रम में हम लोग आए हैं उनका नाम है सूरजजीव मिश्रा। सूरजजीव मिश्रा अरे नहीं संजीव मिश्रा। हाँ तो सन का मतलब सूरज ही तो होता है। बात तो सही है सन का मतलब सूरज। देख यहाँ कितने कैमरामैन हैं। अरे हाँ ये कैमरामैन बहुत अच्छे हैं। वैसे इनकी इमेज खराब है। इमेज खराब नहीं है। अच्छा अच्छा खैर खैर। और विनय भैया हम लोग के बहुत अच्छे। उनके बारे में कुछ नहीं बोलेगा। उनके बारे में कुछ नहीं। क्यों अगले प्रोग्राम में नहीं बुलाएंगे ना? अच्छा नहीं बुलाएंगे। म्यूजिशियन हमारे बहुत अच्छे हैं। और भवेश जी। हाँ भवेश जी कहाँ गए? लगता है 5 मिनट गए। नहीं नहीं 5 मिनट नहीं गए। उनका फोन आ गया। इतनी रात को 2 ही लोगों का फोन आता है। किसका? एक उधार का या फिर जुगाड़ का। ऐसा नहीं है। देख यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं कुर्सी पे बैठे हैं। एक अकेला वही हूँ जो गधा पे बैठा है। मैं तेरे को गधा नजर आता हूँ। थोड़ा थोड़ा तो लगता है। चुप रहे। बड़े अपने आप को बुद्धिमान समझता है। एक सवाल का जवाब दे सकता है। बता एक मुर्गी एक दिन में एक अंडा देती है तो सप्ताह में कितने अंडे देगी? 6। अबे 6 कैसे देगी? सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं। संडे को छुट्टी की तो रहती है। रहती कि नहीं है सर? रहती कि नहीं। अच्छा मैं आपको बताऊं कि मैं जहां भी कार्यक्रम के लिए जाता हूं ये भी मेरे साथ जाता है। और ये जो है छुट्टी ले लेता है। और तू तो नौकरी करता है ना सरकारी नौकरी? हां हां सरकारी नौकरी करता हूं ना। तो क्या छुट्टी कैसे लेता है? बॉस के पास जाके क्या बोलता है? सर क्या हो गया? सर मेरी सांस मुड़ गई सर। तो फिर 10 दिन की छुट्टी। अच्छा फिर छुट्टी लेनी हो तो? सर मेरा ससुर मर गया सर। फिर 10 दिन की छुट्टी। फिर छुट्टी लेनी हो तो? सर हाँ मेरी सास मर गई सर। फिर छुट्टी लेनी हो तो? सर हाँ मेरा ससुर मर गया सर। अब एक बार तेरी सास मरी फिर ससुर मरा फिर सास मरी फिर ससुर मरा तो बॉस ने कुछ नहीं कहा? बॉस ने भी यही कहा। फिर तूने क्या कहा? मैंने कहा सर सास मरती है तो ससुर शादी कर लेता है और ससुर मरता है तो सास शादी कर लेती है। अच्छा अच्छा खैर बहुत कम समय है हमारे पास तो इन लोगों को हम ये बता देते हैं कि अगर आप रहना चाहते हैं चुस्त और तंदुरुस्त तो खाइए गुटखा। गुटखा खाने से कौन चुस्त तंदुरुस्त रहता है? सेब खाइए सेब। और महिलाओं से खास तौर से। लेडीज भी आई है क्या? हाँ किधर है लेडीज? हाँ तो हेलो। और इनसे कहना चाहेंगे कि अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो पीजिए दारू। बिहार में दारू बंद है जाने का समय हो गया है एक बार लेकिन बोल दे बाय लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज लेडीज हाँ इधर जेंटलमैन। लेडीज जेंटलमैन कौन बोलेगा? तू तू क्या बोलेगा? लेडीज वाह बहुत बहुत शुक्रिया।